इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल क्रोम में सर्च किया हुआ डिलीट कैसे किया जाता है। आप अपने गूगल क्रोम में जो भी सर्च करते होंगे यहाँ पर सभी ऐड होता रहता है, तो आप चाहते हैं कि आप अपने गूगल क्रोम में जो भी सर्च किए हुए हैं उसका हिस्ट्री आप क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने गूगल क्रोम में सर्च किए हुए को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम में सर्च हिस्ट्री को, आपने गूगल क्रोम में जो सर्च किया है उसे डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको थ्री डॉट मिलेगा, तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको हिस्ट्री मिलेगा, तो आपको हिस्ट्री पर क्लिक करना है। हिस्ट्री में आने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा ऊपर में मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद बेसिक पर सेलेक्ट रहता है, तो आपको यहाँ पर एडवांस पर क्लिक कर लेना है। और एडवांस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको ऑल टाइम कर लेना है। पहले से यहाँ पर आपको लास्ट आवर्स मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ऑल टाइम पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे क्लियर डाटा मिलेगा, तो आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। और क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद आपने अपने गूगल क्रोम में जो भी सर्च किए होंगे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने जो भी सर्च किया था कीवर्ड यहाँ पर अब नहीं है, सभी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने गूगल क्रोम में सर्च किए हुए को डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।